अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द अपना अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। हम सब लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं हेयर्स के, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी रेमेडी रेसिपी जो भी आप कहना चाहें वो बनाते हैं आज, और जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं शूट्स पे रेगुलर जा रही होती हूँ तो मेरी क्या रूटीन होती है, मैं क्या यूज करती हूँ, फर्दर मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि इतना बेनिफिशियल है कि आपको माहौल से जो बाल हमारे खराब हो जाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है हमारे इर्द गिर्द क्या माहौल है, कितनी पोल्यूशन है, कितना डस्ट है, और हम अपने बालों को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों का खुद ही ख्याल रखना होता है। कभी कभी हम लोग होम रेमेडीज की तरफ चले जाते हैं और कभी कभी हम लोग इम्पोर्टेड चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो जिसका जिस तरफ रुझान हो वो वही इस्तेमाल करता है, और जिसको जिस चीज से ज्यादा फर्क पड़े। मुझे हमेशा से होम रेमेडीज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहा है और मैं हमेशा से होम रेमेडीज को ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मैं खुद बहुत ज्यादा होम रेमेडीज पर अमल करने की कोशिश कर। जितना जरूरी है कि हम अच्छा फूड खाएं, उतना ही जरूरी है कि हम अपने बालों को, अपनी बॉडी को इतना अच्छा मॉइस्चराइज करें या अपनी अपने बालों की इतनी अच्छी केयर करें कि वो भी हैप्पी दिखें। हमारे मूड के साथ साथ हमारे बालों का, हमारी स्किन का हैप्पी दिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को पीछे एक फेस पैक सिखाया था, तो वो जरूर लगाते रहिए, उससे आप लोगों के पोर्स बंद होंगे। और उसकी सारी अगर डिटेल देखनी है तो वो भी पीछे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा हमेशा से होम रेमेडीज की तरफ बहुत रुझान रहा है, वो इसलिए क्योंकि बचपन में अम्मी आंवला रिठासी ककाई और उसके अंदर एक मेहंदी बनती है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और लास्ट मैंने आप लोगों को मेहंदी और पत्ती का एक सिखाया था कलर, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप लोग पीछे जाकर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो आज हम बनाने वाले हैं एक इंतहाई आला ऑयल जिससे आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, जिससे इचिंग होती है। बहुत सारे लोगों को इचिंग होती है तो डैंड्रफ की वजह से भी हो सकती है या उनको कोई फंगस भी हो सकता है, और जब उनको इचिंग होती है तो वो लोग ये रेगुलर लगाएंगे तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। अब आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने लेना है कोकोनट ऑयल। आप लोगों को पता है मैं हमेशा कोकोनट ऑयल को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ, खाने में, पीने में, लगाने में, मेकअप साफ करने में, एवरीथिंग, कॉफी में, चाय में। आप इसको कच्चा भी पी सकते हैं, ये इतना बेनिफिशियल। अगर आप साउथ इंडियन लोगों को देखें ना तो वो लोग वो जो होता है ना कोकोनट, कोकोनट का सालन भी बनाते हैं और कोकोनट का दूध भी पीते हैं, कोकोनट का पानी भी पीते हैं, कोकोनट का ऑयल भी निकालते हैं, कोकोनट का घी भी निकालते हैं। तो साउथ इंडियन इसी पे जीते हैं और इसी पे मरते हैं, और इस इसका जो वो जो खोल होता है उसको जलाते भी हैं। तो ये बहुत बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये बहुत बेनिफिशियल है। अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, अपनी रेमेडी की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है। गर्मी होगी तो ये ऑयल बन चुका होगा, सर्दी होगी तो ये घी बन चुका होगा। तो घी ऑयल एक ही है, बस वेदर की वजह से इसकी फॉर्म बदल जाती है। आपको पता है कि ये बालों की लेयर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखता है और इससे आपके बाल लेंथी भी होते हैं। अब हम लेते हैं करी लीफ। करी पत्ता घरों में उगाना बहुत आसान है, स्पेशली कराची के बहुत सारे घरों में करी पत्ता लगा हुआ है। हम बहुत सारे घरों में शूट जब करते हैं तो उनके घर में जब मैं करी पत्ता देखती हूँ तो मैं एक दो निकाल के खा भी लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है। मुझे करी पत्ता बहुत पसंद है, धनिया पुदीना ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है, हमने खुद भी घर में लगाई हुई है। आपने ले लिया करी पत्ता, आपने ले लिया करी पत्ता। करी पत्ता बहुत बेनिफिशियल है। एक बात मेरी दिमाग में रख लें आप लोग, अगर आप लोग मेरी रेमेडीज, मेरी रेसिपीज को अप्लाई करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि तीन किस्म के तेल लाकर आप लोगों ने रख लेने हैं, क्योंकि मेरी हर रेमेडी, मेरी हर रेसिपी, मेरी हर हर जगह पे ये तीन तेल मैं इस्तेमाल करूंगी, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सीड्स ऑयल। ये हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, खाने, लगाने, नहाने, धोने, हर तरह से ये बेस्ट है। तो
हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है भाई। हम किस लिए इतना कुछ करते हैं अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी ना रहे और हम अपना खाना पीना ही अच्छा ना कर सके, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने फूड को बेहतर क्यों नहीं बना रहे हैं, अपने आप को फूड बेहतर क्यों नहीं दे रहे, जिससे हमारी बॉडी इतनी डल डल रह रही है। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी बहुत हेल्थी रहेगी। अब हम आते हैं अपने मेथी दाना की तरफ। आप लोगों ने ले लिया मेथी दाना। मेथी दाना इतना आला है ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। देखिए ये सब चीजें आपके किचन में अवेलेबल है, तो आप लोगों को इतनी टेंशन की जरूरत नहीं होगी। हाँ, टेंशन की उस इंसान को जरूरत होगी अगर वो रेगुलर कोकोनट ऑयल यूज नहीं कर रहा, तो अब से आप लोग कोकोनट ऑयल रेगुलर यूज करना शुरू कर दें। तो इसके फायदे ये हैं कि अक्सर लोगों के बालों में इचिंग होती है, एक होती है खारिश, कभी कभी खारिश हमें जुड़ों की वजह से भी होती है, और कभी कभी हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे सर में खारिश क्यों हो रही है, बस हम खुजाते रहते हैं। स्पेशली जो हेयर कलर करवाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि मैं जब हेयर कलर करवाती हूँ तो दो चार, एक और चीज है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिन दिनों मैं हेयर कलर करवाऊंगी, फिर जब मुझे इचिंग हो रही होगी तब वो करूंगी। तो बाद में जब हमें इचिंग हो रही होती है, बाल हमारे फट रहे होते हैं, बालों में एक जान सी नजर नहीं आ रही होती, दो मुंगे हो रहे होते हैं, या मतलब बाल हमारे, जैसे हम लेजी हो जाते हैं, हमारे बाल भी लेजी हो जाते हैं, तो अपने बालों को बूस्ट देने के लिए आप लोग मेथी दाना जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपकी इचिंग, आपकी जो वो जो बाल फटे फटे हो जाते हैं, मेरे तो जब मैं कर्ल्स करती हूँ तो बहुत फटे फटे हो जाते हैं, तो ये मुझे हो जाते हैं। उसके बाद आ जाए आप अनियन की तरफ। प्याज जो है आप लोगों को पता है कि ये हर बच्चे बच्चे को पता है कि ये बहुत फायदेमंद है, तो हम अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। मैं इनको पकाऊंगी थोड़ा सा और पकाते पकाते बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। साथ रहिए, आ जाइए, हम किचन में चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। आपने इस तरह का कोई भी पैन ले लेना है, कोई देगची ले लेनी है, स्टील सिल्वर डजेंट मैटर। समटाइम हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें बर्तन बहुत मैटर करता है, और कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जिसमें बर्तन कोई मैटर नहीं करता। हमने इस तरह से हमारी चाय वाली देची है तो मैंने ऊपर चढ़ा दी है। ये चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई थी, करी पत्ता, कोकोनट ऑयल, और ये क्या बोलते हैं इसको, मेथी दाना और प्याज। अब हम क्या करेंगे कि हमने तेल को डाल दिया अपने पैन में। पैन में डालने के बाद और इसमें हमने डाल दिया एक दो तीन, तीन बहुत है, और ये हमारे 15 दिन का तेल बन रहा है, और ये 1 चम्मच के बराबर मेथी दाना है। मुझे आइडिया हो चुका है बिकॉज मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे अब उस तरह से वो नहीं होता कि बस ये चम्मच कर लो तो वो चम्मच कर लो। अच्छा जी, अब रह गया प्याज। प्याज को हम क्या करेंगे बताते हैं। हो जाता है, जल्दी पक जाता है ऑयल में, और अगर इसको कोई काटना चाहे तो काट सकता है, वो इसलिए कि ये जिसको बहुत ज्यादा महारत है वो बारीक बारीक काट सकता है तो वो काटे, जिसको जो मेरी तरह फूड है वो इस तरह से कद्दूकश कर ले। ठीक है, बड़ा प्याज ले लें, छोटा प्याज ले लें, आपकी मर्जी है। तो मुझे प्याज की जो खुशबू है ना वो कुछ मजा नहीं देती, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही प्याज डालती हूँ। तो ये हमने क्या किया, हमने प्याज को कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद जी पीछे से आवाज आ रही है कि अल्लाह किचन का खैर ही करे। अच्छा जी, खैर ही रहेगी, आप टेंशन ना लें। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, बारीक नहीं काट सकती, तो कद्दूकस करने के बाद हमने ऐड कर दिया इसको भी, और ये पूरे 10 मिनट पकेगा हल्की आंच पे। पहले मैंने फ्लेम को तेज रखा था ताकि ऑयल गर्म हो जाए, अब मैंने फ्लेम को 200 पे कर दिया है, या अगर आप चूल्हे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज करते हैं तो मुझे 200 का भी पता है, और अगर आप गैस पे करेंगे तो बहुत हल्की सी कारी होती है ना फ्लेम, बहुत हल्का सा आप उस पे रखिएगा ताकि ऑयल चीजें जले नहीं। ठीक है, तो इसको 10 मिनट तक हम रखेंगे ऊपर हल्की आंच पे, और फिर क्या करना है बताती हूँ, साथ रहिए। जी हमारा जो है तेल बन चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। एक वक्त पे आकर आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि तेल बन चुका है। तो
तो हमारा तेल बन चुका है, आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप किसी भी बॉटल में, किसी भी जार में, किसी भी, मतलब आपकी मर्जी है, आप, आपके लिए इजी क्या है, आप उसमें डाल के रख दें। मेरा फेस वॉश जब खत्म हो जाता है तो इसका जो पंप है ना वो बहुत आला है, तो मैं हमेशा इसमें डाल के रख देती हूँ, ताकि अगर मैं कभी लगाने में थोड़ी आलस हो रही हूँ ना, तो बस ऐसे ऐसे शावर करूँ और ऐसे ऐसे कर लूँ बस, और किसी और को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए मैंने पानी लगा दिया, सारा गीला हो गया, हाथ धोने गई थी ना। अच्छा, तो किसी और को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप खुद ही पंप से लगाएं और चलो जी हाथ ऐसे ऐसे कर लें, चले जी। तो आप इसको वैसे तो हर रेमेडी की, हर जो हम जो भी लगा रहे होते हैं फेस पे या बालों पे, 40 मिनट मिनिमम होते हैं, तो मैक्सिमम आपकी मर्जी है आप इसको कितनी देर रखना चाहते हैं। तो मैं तो थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे रखती हूँ, इससे ज्यादा नहीं रख पाती, बिकॉज मुझे जब ऑयल में लगा लेती हूँ मुझे इचिंग शुरू हो जाती है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, मैं तेल लगाकर सो नहीं सकती। जबकि बेस्ट है अगर आप लोग इसको लगाकर सो जाए ना, तो आपके पैसे पूरे हो जाए। भाई जाहिर है एक्सपेंसिव है, कोकोनट ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव है भाई, तो आप इसको लगाएं, और इसके क्या फायदे आपको हुए आप मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों का हेयर फॉल खत्म होगा, इचिंग खत्म होगी, जब जब हम कलर करवाते हैं वो कलर खराब नहीं होगा, बाल जो फटे फटे हो जाते हैं वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि हम हीट बहुत ज्यादा बालों पे लगाते हैं ना। हम जितनी भी प्रोडक्ट्स लगा लें, एंड ऑफ द डे आपके बालों ने डैमेज होना ही होना होता है, ये पढ़ी लिखी बात है, इस बात से हम लोग भाग नहीं सकते। तो इसलिए छोटी छोटी होम रेमेडीज मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, और जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका मुझे फायदा होता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो मैं कभी भी आपके पैसे जाया नहीं करना चाहूंगी जिससे आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा होगा। और आप देखें, कोई भी आप मेरी चीज जो मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ उठाकर अगर आप देखेंगे, तो एक एक चीज के 100 100 फायदे हैं, जो कि मैं एक दो ही बताती हूँ, वरना मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं डिटेल्स बताने बैठू ना तो 2 2 घंटे की मेरी वीडियो बने और वो फिल्म बन जाए और आप लोग तंग आ जाए, इतनी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ऐसा नहीं 2 4 दिन इस्तेमाल किया और नहीं, इसको थोड़ा सा हर चीज का फर्क 90 डेज में आता है। ये जिंदगी में असूल याद रखिएगा, वो डाइट हो, वो एक्सरसाइज हो, वो कोई भी रेमेडी हो, कोई भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं ना, चाहे खाने के लिए चाहे लगाने के लिए, 90 दिनों में आपको आपको उसका ह्यूज डिफरेंस नजर आता है। आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अगर आप कुछ खा रहे हैं वेट लूज करने के लिए कर रहे हैं, और अगर आप बालों स्किन पे लगा रहे हैं, तो 90 डेज के अंदर अंदर लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं कि इसने कोई ट्रीटमेंट लिया है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर में अपना ट्रीटमेंट खुद करें, खुद आरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, दुआ में जरूर याद रखिएगा मुझे। ओके बाय, लव यू ऑल।